नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ अभिता। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, पीएम द्वारा जमीन के बदले नौकरी देने वाले को जेल भेजने के लिए दिए गए को लेकर राजद नेताओं की टिप्पणी जो है वो सामने आई। ऐसे में पटना में एलजेपी नेता चिराग पासवान ने चुटकी ली है, कहा है कि लोकसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए विपक्ष अभी से बहाने जो है वो तलाशने लगा है और प्रधानमंत्री के बयान पर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि जो दोषी होंगे वो जेल भेजे जाएंगे। किसी को डराने की सोच के साथ नहीं, आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं, और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जहां तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से, जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक तारीख के बाद से 4 तारीख तक ये रोना गाना चलेगा ईवीएम को लेकर, और 4 तारीख के बाद तो फिर स्पष्ट ही हो जाएगा कि ईवीएम का दोष है, कैसे एनडीए को 400+ सीटें आ गईं। ये तमाम बातें अब उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में परिणाम आने वाले हैं। बहाने तैयार करने की रणनीति पर अब काम किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि 7वें चरण से पहले राहुल गांधी को बिहार की याद आई है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि बिहारी आपका साथ नहीं देंगे। 350 से ज्यादा सीट हम लोग जीत चुके हैं और 7वें चरण आते आते हम लोग 400 जीत जाएंगे। जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख हैं हम लोग, नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहार बिहारियों की अनदेखी की। भाई अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला। ये फैसला पहले ही अब तैयार हो चुका है। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने आई होगी किस तरीके से एनडीए गठबंधन। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच।